यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम इस रूबिक्स क्यूब को कैसे बनाना है वो आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो पे आखिरी तक बने रहो। और आज की इस वीडियो में बस हम फर्स्ट लेयर के ऊपर ही बात करेंगे। जो फर्स्ट लेयर में जितनी भी चीज़ें होती है आपको बस सिखाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो में लास्ट तक बने रहो। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देते हो आप। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा क्यूब हो चुका है पूरी तरीके से स्क्रैम्बल। और अब हम बताने वाले हैं इस रूबिक्स क्यूब को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात जाननी पड़ेगी, ये जो पीसेस होते हैं इधर साइड वाले, इसको बोलते हैं कॉर्नर्स, ये जो होते हैं इसको बोलते हैं एज, और ये होते हैं सेंटर्स पीस। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि सेंटर जो होते हैं अपनी जगह से मूव नहीं होते, मूव होते हैं तो बस कॉर्नर्स और एज, ये दो पीसेस जो होते हैं वो मूव होते हैं अपनी जगह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। और यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक क्रॉस बनाना पड़ेगा, जैसे कि आप प्लस भी बोल सकते हैं। वाइट कलर से पूरा एक प्लस बनाना है, जो कि बहुत आसान रहता है भाई। देखो, सबसे पहले आपको एज ढूंढने पड़ते हैं वाइट कलर वाले। तो वाइट कलर वाला यहाँ पर हमें एक एज मिल चुका है। ये मिल जाने के बाद हमें इसे इंसर्ट करना पड़ेगा इसी की जगह में। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं अच्छे से यहाँ पर। ओके, तो एक ये पीस है वाइट और ग्रीन। तो हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो नीचे में जो कलर होगा उस दोनों मैच करे, सेंटर और वो एज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट वाइट और ग्रीन ग्रीन, वाइट वाइट ग्रीन ग्रीन दोनों मैच हो रहा है। तो वैसे ही हम बाकी इसको भी लगाना है। जैसे हमने वाइट और ग्रीन लगाया है उसी तरीके से हमें दूसरे और उसको भी लगाना है, दूसरे एच पीस को भी लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर वाइट वाइट और रेड रेड, ये दोनों लग गया। पर अब यहाँ पर एक दिक्कत हो सकती है आपको कि आपको एक जो एच पीस है वो उल्टा लग जाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको लेके आया, लेकिन ब्लू नीचे जाना और वाइट ऊपर जाना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं वो आपको अभी बताता हूँ। इस चीज़ को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको एक फ्रंट वाला मूव करना पड़ेगा, और नीचे की जो डाउन वाली दो लेयर है दोनों लेयर को घुमा के इसको इस साइड ले आना है, लेफ्ट साइड में अपने, और फ्रंट वाली लेयर को वापस से एक बार घुमा दीजिए। तो क्या होगा, वो आपको ऊपर आ जाएगा। और डी वाली लेयर को, जो डाउन वाली लेयर है, उसको दो बार वापस इस साइड करना भाई, नहीं तो बिगड़ जाएगा सब। और यहाँ पर देखो सब ठीक हो गया है। कुछ इस तरीके से हमारे तीन एच पीस लग चुके हैं, और हमें अब एक आखिरी वाला लगाना था ऑरेंज वाला, वो भी लग चुका है। हमने आपको क्रॉस के लिए सब चीज़ बता दी है। अब हम लोग जाएंगे इस सॉल्यूशन के दूसरे स्टेप पर, जिसमें हमें सारे कॉर्नर्स को उनकी जगह पर लगाना होगा। कॉर्नर्स लगाने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि आपको तीनों कलर को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर वाइट रेड और ब्लू है, तो वाइट और रेड और ब्लू आपको ऐसा ही एक कॉर्नर पीस ढूंढना पड़ेगा जिसमें वाइट रेड ब्लू है। अब यहाँ पर ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइट रेड ब्लू ना है, उसकी जगह में ग्रीन आ चुका है। तो ग्रीन के पास ले जाएंगे उसको। अब यहाँ से अराइज होती है थ्री सिचुएशंस, जिसमें आपका जो वाइट पीस रहता है कॉर्नर वाला, वो कभी राइट में फेस करेगा, कभी फ्रंट में, और कभी नीचे फेस करेगा। तो उसको आपको कॉर्नर पीस को देख करके ये एनालाइज करना पड़ेगा, मतलब वैसा फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबके लिए अलग अलग फार्मूला है। तो इस वाले के लिए एक बार राइट वाली लेयर को डाउन करके, डाउन वाली लेयर को लेफ्ट साइड मोड़ के उसको ऊपर कर देना है, जिससे ये होगा कि हमारा जो वाइट वाला जो था कॉर्नर पीस वो ऊपर चले गया। वैसे ही अब अपने दूसरे पीस को लेके आते हैं। दूसरी सिचुएशन में ये है कि ये आप देख सकते हैं वो नीचे है, वाइट वाला जो फेस है वो वाइट नीचे फेस कर रहा है। तो हमें एक बार डाउन करना है, और डाउन वाली लेयर को दो बार लेफ्ट या फिर राइट कैसे भी मोड़िए वो बराबर ही आएगा। और फिर ऐसे करके कुछ उसे लगा देना है, उसको इंसर्ट कर देना है। यह अपना पुराने वाला वो हो जाएगा, पुराना जैसा केस था वैसा ही सेम हो जाएगा। और फिर अब तीसरा पीस लगाते हैं हम। चलिए, इसमें भी सेम मेथड ही अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें भी राइट में फेस कर रहा है। एक बार डाउन करेंगे और डाउन वाले लेयर को लेफ्ट करके ऊपर। अब यहाँ पर आता है हमारा तीसरा केस, ये था नहीं मैंने बना दिया, वो बात अलग है। इसमें अपन जैसे कि देख सकते हैं कि ये फ्रंट में फेस कर रहा है। तो फ्रंट के लिए क्या करना है मैं आपको भी बताता हूँ। जो डाउन वाली जो लेयर है, जो डाउन वाली लेयर है उसको हमें एक बार लेफ्ट कर देना है, और राइट वाली लेयर को नीचे, तो वो उधर साइड चले जाएगा। और इसको ऐसे करके आप कुछ ऐसे करके लगा सकते हैं। एक बार और दिखाऊंगा मैं आपको ये चीज़ करके कि इसको लेफ़्ट किया, राइट वाली लेयर को डाउन, और उसको जाके इंसर्ट कर दिया। तो फाइनली हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अगला पार्ट देखना है और सेकेंड लेयर बनानी सीखनी है, तो प्लीज़ कमेंट कर दें, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।